नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। हाल ही में मेरठ में हुए बवाल के मुख्य आरोपी बदर अली के निर्माणाधीन हॉस्पिटल पर आज प्राधिकरण का बुलडोजर चल गया। पिछले 2 साल से प्राधिकरण अफसरों की मिलीभगत से इसका निर्माण चल रहा था। समझा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों इमारत की ऊंचाई बढ़ती रही, प्राधिकरण अभियंताओं की जेब भी मोटी होती चली गई। अब बवाल के बाद प्रशासन की नजर तिरछी हुई तो प्राधिकरण को बिल्डिंग ध्वस्त करनी पड़ी। अब हालांकि मेरठ विकास प्राधिकरण सचिव राजकुमार का कहना है कि आज की कार्रवाई से मेरठ बवाल का कोई वास्ता नहीं है, ये कार्रवाई पहले ही होनी थी, लेकिन पुलिस बल ना मिलने के कारण इसका ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सका। बिना मानचित्र पास कराए इतना बड़ा निर्माण कैसे हो गया कि जवाब में प्राधिकरण सचिव ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अभियंताओं को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। दोषी भी चिन्हित किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? जो हमारे नियमों में है, संबंधित उस क्षेत्र के जो भी अधिकारी रहे हैं और जिसके पास भी पत्रावली कुछ दिनों तक रही है, जिस समय की पत्रावली का कोई मूवमेंट नहीं है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी नियमों के तहत। कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं एमडीए के? चिन्हित किए जा रहे हैं, अभी तक नहीं किए। निश्चित रूप से उसमें जो जिनके भी वो पीरियड रहे हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। झारखंड में हुए तबरेज हत्याकांड, जिसे मॉब लिंचिंग का नाम भी दिया गया, के विरोध में मेरठ में 30 जून को शांति मार्च का आह्वान किया गया था। नाम इसे भले ही शांति मार्च का दिया गया हो, लेकिन हकीकत में बदर अली के माध्यम से प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता था। कुछ समय पहले ही प्रहलाद नगर को लेकर ये खबर चली थी कि वहां से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। ऐसे में इस शांति मार्च से जिले की शांति व्यवस्था को खतरा पाते हुए पुलिस ने बदर अली को सचेत किया और शांति मार्च यानी 30 जून की सुबह भी मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस प्रशासन की अदूरदर्शिता के चलते मार्च की परमिशन ना होने के बावजूद फैज-ए-आम कॉलेज में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का जमावड़ा लग गया। बाद में इन लोगों ने जबरन की सड़कों पर रैली निकालने की कोशिश की, जिसे रोकने का प्रयास हुआ और हालात बेकाबू पाते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सड़क से इन लोगों को दूर तक पीट पीट कर खदेड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में बदर अली को मुख्य आरोपी बनाते हुए उस पर ₹5,000 का इनाम घोषित कर दिया। साथ ही बड़ी संख्या में ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। करीब 50 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। पुलिस के भारी दबाव के चलते बदर अली को भी सामने आना पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार दिखाकर अपनी पीठ थपथपा ली। शासन स्तर पर कड़ा रुख अख्तियार करने के कारण प्रशासन को भी बदर अली पर नजर तिरछी करनी पड़ी। बदर अली ने अल्पसंख्यकों से बड़े पैमाने पर चंदा जुटाया और युवा सेवा समिति के नाम से एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी कर डाली। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का हाथ पीछे होने के कारण बदर अली जल्दी ही चर्चा में आ गया और उसकी पैठ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के बीच हो गई। अब जब शासन ने कड़ा रुख लिया तो प्रशासनिक अफसरों को भी अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ी। मेरठ विकास प्राधिकरण, जो पिछले 2 साल से सिर्फ फाइलों की मोटाई बढ़ा रहा था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि हॉस्पिटल की लंबी चौड़ी बिल्डिंग ना बन सके। प्राधिकरण अफसरों की मिलीभगत के चलते ये लोहालाट बिल्डिंग खड़ी हो गई। लोहालाट इसलिए कि प्राधिकरण की जेसीबी हार मान गई और ध्वस्तीकरण के लिए नगर निगम की पोर्कलेन मशीन बुलानी पड़ी। हमने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और जोनल अधिकारी से बात भी की। आइए रुख करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ। इस मामले को काफी टाइम हो चुका है। हाल ही में बदर अली ने जो पूरा लोगों को भड़काने का जो पूरा काम किया, मॉब लिंचिंग के चक्कर में जो मेरठ में बवाल हुए, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, तब जाकर यहाँ पर इस तरीके का कार्य हो रहा है। तो क्या आपके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी या फिर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है उसके बाद ही इसको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है? अब मुझे आपके सबके आप क्या सोच रही हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा ड्यूटी है, वो एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने की है। क्योंकि डेमोलिशन जब किया जाता है तो पुलिस और प्रशासन की उसमें जरूरत पड़ती है। जब हमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से हमें हेल्प मिली, फोर्स मिला, तो हमने तोड़ दिया है। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप पहले से इसको तोड़ना चाह रहे थे? क्योंकि ये अवैध रूप से चल रहा है, आपके पास नोटिस था, इसका उसकी गिरफ्तारी से कोई ताल्लुकात है या नहीं? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नियमानुसार हम लोग कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। अभी पिछले महीने भी हम लोगों ने, जो हमारी सैनिक विहार कॉलोनी है, वहाँ भी हमने डेमोलिशन किया था। और जहाँ आप खड़ी हैं, इससे आपके पीछे की तरफ हम लोगों ने 250 निर्माण यहाँ 23 मार्च 2018 को तोड़े थे। तो एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। सर आपका नाम क्या?
मनोज कुमार सिंह। सर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना ज़्यादा, आप कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वहाँ पर दिखाएं, इतना बड़ा निर्माण हो गया, क्या उस बीच में इसको बीच में नहीं रोका गया, नोटिस किया गया, लेकिन क्या आपने पुलिस प्रशासन को तब कोई इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो इसको रोके, बनने से रोके, क्योंकि आज उसको तोड़ने की नौबत आ गई? जो हमारा एक्ट है उसके तहत जैसे ही बिना नक्शे का निर्माण होता है या नक्शे के विपरीत निर्माण होता है उसके तहत हम नोटिस देते हैं, सुनवाई होती है। तो जो नेचुरल जस्टिस है इनको सुनवाई का मौका दिया गया। इन्होंने कंपाउंडिंग मैप भी प्रस्तुत किया, मैप के साथ जैसे अभी हमारे साथी जो अधिकृत मैप आया, मैप जो दिया, मैप को फिर साइट से मिलान किया जाता है कि एज पर साइट है या नहीं। इसके बाद और भी नॉर्म्स होते हैं, तो इन सब को देखते हुए और सुनवाई के बाद तब इनका मैप सैंक्शन जो था वो कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद में फिर 15 दिन की नोटिस जाती है, ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद। कब से चल रहा है ये, कितना महीना हो चुका है या कितने साल, कब से ये मैटर? मैं फाइल देख के बता दूंगा, लेकिन चल रहा है 3-4 महीने अमूमन लग जाते हैं। हाँ लग जाते हैं, एक प्राकृतिक न्याय है उसके तहत सबको सुनवाई। क्या इसको तोड़ने के बाद की भी कोई कार्रवाई है जो आपकी साइड से होनी है, प्रशासन की साइड से? अब नहीं, इसके तोड़ने के बाद हमारी कार्रवाई समाप्त हो गई। अगर ये चाहें फिर से मैप एज पर साइट बना के, क्योंकि नर्सिंग होम का जो होना चाहिए कि चारों ओर से मूवेबल हो, फायर का होना चाहिए, आगे पार्किंग की होनी चाहिए, तो ये सब जो नॉर्म्स हैं तो ये नॉर्म्स का पालन करते हुए। सिर्फ नॉर्म्स की बात आ रही है यहाँ पे, ये भी बात आ रही है कि ये अवैध रूप से चल रहा था, ये सैंक्शन नहीं था, चल नहीं रहा अभी तो निर्माणाधीन था। अवैध, जब मैप सैंक्शन नहीं होता है तो उसी को अवैध कहते हैं। अवैध का अर्थ ये नहीं कि कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, अपनी ज़मीन पे है, लेकिन जो हमारा नॉर्म्स है, जो चीज़ बना रहे, जैसे आप मकान बना रही हैं मकान का अलग नॉर्म्स होता है, दुकान बना रही हैं, ग्रुप हाउसिंग बना रही, उसका अलग है, उसी तरह से ये नर्सिंग होम का है वो होने का। इसके अलावा मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव राजकुमार से जब बातचीत की गई तो उन्होंने दोषी अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की। आइए दिखाते हैं उनसे किए गए सवाल और उनके जवाब भी। बार बार पत्र के बावजूद भी जब उनके द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिए गए तो कंपाउंडिंग मैप भी निरस्त कर दिया गया था और जो पुराना ध्वस्तीकरण आदेश था उसको एग्जीक्यूट कराया गया। क्या उन्होंने नक्शा स्वीकृत करवाने के कोई आवेदन किया था? नहीं, कभी नहीं किया। कंपाउंडिंग मैप दिया था निर्माण शुरू होने के बाद। कंपाउंडिंग मैप के लिए तब दिया जाता है जब कोई कंस्ट्रक्शन वहां पर हो गया। हां, कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद जब आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन था उस समय उन्होंने मैप प्रस्तुत किया। कब की बात है? ये 2017 की है। 2017 के बाद से लेकर अभी तक आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, इसमें जो उन्होंने कंपाउंडिंग मैप दिया था उस पे आपत्ति उनको सूचित की गई थी और मौके पे निर्माण रोका गया था, थाने को भी अवगत कराया गया था उस निर्माण को रोकने के लिए। और इस बीच जब उसने कोई अभिलेख कंपाउंडिंग मैप के अगेंस्ट नहीं दिया, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, तब ये निरस्त कर दिया गया उनके कंपाउंडिंग मैप भी। नहीं, जिस समय डेट लगी थी उस समय की बात कर रहा हूँ, और अभी वर्तमान में फिर से हम लोगों ने दोबारा इसमें जो है मांग की है और मांग करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई क्या मेरठ बवाल के चलते की गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कारण रहा कि एकाएक तेजी आ गई और एमडीए भी सक्रिय हो गया? नहीं, ये तो हमारे यहाँ जो भी पत्रावलियाँ हैं उसमें अगर इस तरह के जो भी संज्ञान में आते हैं कि हमारे एक निर्माण है और ध्वस्तीकरण आदेश है उसका हम नॉर्मली एग्जीक्यूट कराते हैं। सेक्रेटरी साहब, पूरी बिल्डिंग बन गई जी, इसके लिए कौन दोषी है? क्या सिर्फ बदल? दोषी भी चिन्हित किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? जो हमारे नियमों में है, संबंधित उस क्षेत्र के जो भी अधिकारी रहे हैं और जिसके पास भी पत्रावली कुछ दिनों तक रही है, जिस समय की पत्रावली का कोई मूवमेंट नहीं है उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी नियमों के तहत। कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं एमडीए के? चिन्हित किए जा रहे हैं, अभी तक नहीं किए। निश्चित रूप से उसमें जो जिनके भी वो पीरियड रहे हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस प्रॉपर्टी का मालिक बदर अली बताया जा रहा है, क्या उससे और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको आपने नोटिस भेजा था कभी? जो चूंकि कंपाउंडिंग मैप बदर अली ने अपने नाम से दिया था इसलिए हमने उन्हीं से उनका अभिलेख मांगा था, जो उन्होंने स्वामित्व का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट, फिर से नजर डालेंगे देश की और भी बड़ी खबरों पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।